हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आगे हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो है इबोला वायरस को लेके है। पहला स्टेटमेंट यह है कि यह एक वायरल डिजीज़ है। दूसरा यह है कि यह एयर के थ्रू स्प्रेड है, वो हो सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर यह कह रहा है कि इसका अभी तक कोई भी जो प्रोवेन ट्रीटमेंट है इबोला का, वो अवेलेबल नहीं है। हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो देखो, जो इबोला के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो डिजीज़ है ये वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से फैलती है। ठीक है, आपको पता है कि इबोला एक वायरल डिजीज जो वायरस की वजह से फैलती है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो जाता है। यह एयर के थ्रू नहीं फैलती है। तो अगर आप सेकंड को एलिमिनेट करोगे तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर बच जाएगा फर्स्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इबोला का अभी तक कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेके हैं। ये पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन सी इनमें से फॉर्म्ड है वो की गई थी। पहला है आपके सामने यहाँ पे बहिष्करणी हिताकरणी सभा, और तीसरा यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे दिया गया है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तीसरा दिया गया है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, चौथा दिया गया यहाँ पे पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी जो पार्टी या सभा है, फेडरेशन है, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा गठित है। तो देखो, जो पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया ना, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं गठित है, ये आपको ध्यान में रखना। ये 1947 में खैर बनी थी। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा कि एक, चौथे को छोड़ के सारे सही हैं। तो मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, जो क्वेश्चन था तो हमने यहाँ पे देख लिया। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप को लेके हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। पहला है आपके सामने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है यहाँ पे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, चौथा है यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड ग्रुप का पार्ट है। तो देखो, जो इसका आंसर है ना वो तो हो जाएगा बी, कि पहला और तीसरा यही पार्ट है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हैं, ये दोनों वर्ल्ड ग्रुप का पार्ट है। तो हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड ग्रुप है वो है क्या। तो पहले वर्ल्ड ग्रुप, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसी को हम कवर करते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना और जो वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों मतलब दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, यानी ग्रुप नाम पे जहाँ पे आ जाए, आपको जब भी एग्जाम में मिले कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि इसमें 5 इंस्टीट्यूट हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी? एक तो है यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशन, तीसरा है यहाँ पे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और पाँचों है यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये जो 5 इंस्टीट्यूट हैं या 5 जो ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रही है ना, इनको मिला के तो बोला जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और अगर अकेला वर्ल्ड बैंक कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2 इंस्टीट्यूट हैं। अब अकेले वर्ल्ड बैंक में 2 इंस्टीट्यूट आते हैं, कौन कौन से? एक तो IBRD और एक IDA। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 इंस्टीट्यूट आते हैं, और वर्ल्ड बैंक में 2 आते हैं, कौन कौन से? IBRD और IDA। तो ये UPSC पूछ सकती है, अभी न्यूज़ में था। तो हमें ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में डिफरेंस क्या है। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है वर्ल्ड सबमिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी को लेके, WSIS को लेके। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि अभी वर्ल्ड सबमिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, इसका एक सबमिट आयोजित हुआ था, और उस सबमिट में इंडिया के 2 प्रोजेक्ट हैं जिनको बेसिकली अवार्ड दिया गया या नवाजा है, वो गया है। किस अवार्ड से? वही अवार्ड है वर्ल्ड सबमिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड से। तो कौन कौन से 2 जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं? एक तो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वो है उत्कर्ष बंगला, और दूसरा है यहाँ पे साबोध साथी। तो इन दोनों प्रोजेक्ट हैं, या दोनों जो ये आप बोल सकते हो स्कीम टाइप की हैं, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की हैं, और इन्हीं के लिए इनको अवार्ड है वो दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के अंतर्गत ये अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं। देखो, जो उत्कर्ष बांग्ला जो स्कीम है ना, इसका मोटो है स्किल डेवलपमेंट। ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराई जाती है, और इसके थ्रू लगभग 6 लाख से ज़्यादा यूथ को अपॉर्चुनिटी मौका दिया जाता है, ताकि वो अपनी स्किल को डेवलप कर सकें और एक जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल सके। अगली जो साबोध साथी जो स्कीम है ना, इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट है, सॉरी मतलब लड़कियां लड़के दोनों भी 9th और 10th क्लास के, उनको बेसिकली घर से स्कूल जाने के लिए बाइसिकल है वो दी जाती हैं। तो लगभग 1 करोड़ बाइसिकल है वो प्रोवाइड करवाएगी हैं। तो ये एजुकेशन सेक्टर के लिए स्कीम है। तो ध्यान रखना है, इन दोनों ही स्कीम के लिए अवार्ड से नवाजा है वो गया है।
तो थोड़ा और फैक्ट देख लेते हैं कि वर्ल्ड जो समिट हुआ है अभी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का जो फॉर्म है वो है क्या। देखो ये एक इन्फॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म है, मतलब एक तरीके का ग्रुप है जो है। काम क्या करता है, यह बेसिकली काम यह करता है कि जो इसके थ्रू काफ़ी सारी लार्जेस्ट गैदरिंग होती है, यानी हम बात करें कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के जो कंपनीज हैं, फिर और जो सेक्टर हैं वो यहाँ पे एक जगह मिलते हैं, आपस में बातचीत है वो की जाती है और काफ़ी इश्यूज़ पे फोकस है वो किया जाता है। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज ये फॉर्म किया जाता है। यह देखो जो फॉर्म है ना वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके साथ ही यूनेस्को, इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो ये UPSC यहाँ पे पूछ सकती है। इस बार की जो फॉर्म की थीम थी वो थी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि इन्फॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव है वो करें। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ब्लू द रोबोट। देखो ब्लू एक रोबोट है वो बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली देखो जो रोबोट होते हैं ना वो काफ़ी जैसे जो बेसिक कॉम्प्लेक्स से काम होते हैं ना वो नहीं कर पाते, यानी जैसे कपड़े समेटना हुआ, बर्तन साफ करना, इस टाइप के। तो अभी जो नया एक रोबोट डेवलप किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यहाँ पे ब्रेकले इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा। तो ये रोबोट है वो मतलब काफ़ी सॉफ्ट काम है वो भी कर सकता है, जैसे कि कपड़े को फोल्ड वगैरह करने हो, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। तो इसको रोबोट को यहाँ पे ब्लू रोबोट का नाम दिया गया है। ध्यान रखना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इसको डेवलप है वो किया गया है और अब इसको काफ़ी रिजनेबल रेट में मार्केट में प्रोड्यूस है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अभी लास्ट वीक भी काफ़ी न्यूज़ में था, वो है ओराइजन टेलीस्कोप को लेके। तो द इवेंट ओराइजन टेलीस्कोप है क्या वो हम देख लेते हैं। देखो बेसिकली जो ये टेलीस्कोप है ना ये 7-8 टेलीस्कोप का एक ग्रुप है, मतलब जगह जगह हमारे इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में टेलीस्कोप हैं वो स्थापित की गई हैं, फिर उनको आपस में कनेक्ट करके एक जगह पे इस कम्युनिकेशन इस टेलीस्कोप का निर्माण है वो किया गया है। और मेनली जो द इवेंट ओरिजन टेलीस्कोप बना इसकी हेल्प से अभी ब्लैक होल की फोटो है ना वो ली गई थी और इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में आया था। और ये जो बेसिकली जो ओराइजन टेलीस्कोप बना ये ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए बनाया गया था, उसकी फोटो वगैरह के लिए ही, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो दो मेन इम्पोर्टेंट ब्लैक होल हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है यहाँ पे सागिटेरस ए और एक है यहाँ पे मोनास्टर ब्लैक होल। तो सागिटेरस ए ब्लैक होल है ना वो हमारे जो मिल्की वे यानी जो आकाशगंगा है ना इसके बीचों बीच में है और ये सन से लगभग 4 मिलियन गुना मतलब मास है इसका। और जो मोनास्टर ब्लैक होल है ना ये लगभग जो ये सागिटेरस ए जो हमने ब्लैक होल देखा ना इससे भी 1500 टाइम बड़ा या हम बोल सकते हैं वो है। तो यह ध्यान में रखना है, दो फैक्ट हैं। तो अभी जो फोटो ली गई है ना न्यू ओराइजन सॉरी जो द इवेंट ओराइजन टेलीस्कोप के द्वारा वो ली गई है मोनेस्टर ब्लैक होल, इस जो ब्लैक होल है इसकी फोटो है वो ली गई है। अब देखो इसमें है क्या, दो तीन छोटे छोटे फैक्ट और हैं कि जो ये टेलीस्कोप बनाई गई है ये बेसिकली अर्थ से भी बड़ी है। अब आपको लगा होगा कि यार अर्थ पे तो हम रह रहे हैं और इससे बड़ी टेलीस्कोप कैसे बन सकती है। तो देखो एक वर्चुअल टेलीस्कोप है, जैसा मैंने आपको पहले बताया ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जगह जगह पे 5-6 जो टेलीस्कोप हैं वो स्थापित की गई हैं, फिर उनको सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपस में कनेक्ट किया गया है ताकि वो एक बड़ी कौन जो हम बात करें टेलीस्कोप का काम है वो कर सकें। तो उसकी हेल्प से इनकी फोटो है वो ली गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से ब्लैक होल की फोटो ली गई है, कहाँ पे है, ये दो चार फैक्ट UPSC पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बेम्बो राइस को लेके। देखो कंटेक्स्ट तो ये आया था कि अभी जो उड़ीसा के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है यहाँ पे चंद्रा दामपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंतर्गत यहाँ की बेम्बो राइस प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो अभी उसी को लेके ओपन वगैरह किया गया था, मतलब उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ओपन किया गया ताकि ट्राइबल एरिया वहाँ पर जा सकें। तो पहले हम बम्बू राइस या बेम्बू राइस के बारे में देख लेते हैं। देखो जब बांस का पेड़ यानी बम्बू का जो पेड़ होता है जब वो मतलब मरने वाली कंडीशन में होता है, आप बोल सकते हो कि जब उसकी एज हो जाती है ऑलमोस्ट पूरी, तो उस दौरान क्या होता है उसके फूल लगते हैं और उन फूल से जो राइस बनते हैं उनको बेम्बू राइस का नाम है वो दिया जाता है। तो मतलब काफ़ी लंबी प्रोसीजर के बाद बेम्बू राइस का प्रोडक्शन है वो होता है। तो अभी जो चंद्रा दमपरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पे काफ़ी सारे बेम्बू के पेड़ हैं और अभी वहाँ पे बड़ी मात्रा में राइस है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं टाइम टाइम पर। तो अभी जो ट्राइबल एरिया के लिए वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन की गई ताकि वो लोग वहाँ पर जाके और मतलब इनको कलेक्ट करके और पैसे वैसे है और अपना रोजगार है वो यहाँ पर कमा सकें, क्योंकि इनकी डिमांड है वो काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी महंगे ये बिकते हैं।
देखो जो बेम्बू राइस होते हैं ना, ये बेसिकली मतलब इनका टेस्ट होता है वो तो गेहूं जैसा ही होता है, बट ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें तो ब्राउन राइस जैसे कुछ होते हैं ये, बट इनमें फैट है वो बहुत कम या फिर ना के बराबर इनमें फैट होती है, और भारी मात्रा में विटामिन बी होता है, और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इन्हीं को लेकर एक आर्टिकल छोटा सा यहाँ आया था। देखो अभी आपको पता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो अलग अलग स्टेट के हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। जैसे कि पंजाब में वैसाखी मनाया जाता है, जो कि सिख का एक मतलब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके साथ ही केरला में विशु है वो मनाया जाता है, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसी के साथ ही आसाम में रोंगली बिहू के नाम से फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, और बंगाल में नाबा बारसा फेस्टिवल है जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसी के साथ ही तमिलनाडु में पुथानु पिरप्पू जो बोल सकते हो फेस्टिवल है जो तमिलनाडु का है। तो ये यूपीएससी मेज द फॉलोइंग में पूछ सकती है, तो हमें ध्यान में रखना है कि ये इंडिया के हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो अभी न्यूज़ में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो एक टर्टल की स्पीसीज को लेके है, जिसका नाम है यहाँ पे येंटे गेंट सॉफ्ट सेल टर्टल। देखो ये जो टर्टल की स्पीसीज है ना, इसकी लास्ट फीमेल थी उसकी भी डेथ है वो हो गई है। इसके चार ही मतलब बोल सकते हो कि जो आप बोल सकते हो कि चार ही अभी एक तरीके से जीव है वो जिंदा थे इस टर्टल की स्पीसीज के, जिसमें से एक फीमेल तो उसकी भी डेथ हो गई है। ये कहाँ पे थी? ये थी बेसिकली चाइना के अंतर्गत एक जू है जिसका नाम है यहाँ पे सुजो जू। उस जू के अंतर्गत ये फीमेल टर्टल जो रह रही थी और अभी इसकी डेथ है वो हो गई है। इसके अलावा एक और है जो चाइना में है, और दो हैं वो वियतनाम में है। मतलब ये तीन ही बचे हैं ये ऐसे टर्टल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि भाई ये कहाँ पे वगैरह है, क्या से। आईयूसीएन की देखो बात करें तो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है, और इसी के साथ ही हम बात करें तो जो मतलब फ्रेश वाटर के अंदर जो जिंदा रहने वाले टर्टल होते हैं उसमें से काफ़ी लॉन्गेस्ट लाइफ इसकी होती है। तो ये कुछ ऐसा देख सकते हो, इस तरह का है कुछ दिखाई है वो देता है। इसके वजह से अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि रेड रिवर गेंट सॉफ्ट सेल टर्टल, इसके साथ ही संगाई सॉफ्ट सेल टर्टल, इसके साथ ही स्वाइनले सॉफ्ट सेल टर्टल, और इसी के साथ ही स्पेक्ड सॉफ्ट सेल टर्टल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है अभी रिसेंटली न्यूज़ में। तो नेक्स्ट देखो जो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है स्टेट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज को लेके। खैर वैसे तो WHO की रिपोर्ट है, तो इसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है मतलब हम एक तरीके से बोले तो, बट वो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्री के लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो US बेस्ड एक सेंटर है जिसका नाम है सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिसी, तो इसके द्वारा अभी स्टेट ऑफ हेल्थ सर्विस रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है, और इस रिपोर्ट में इंडिया के क्या हालात है वो देखते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया में लगभग 6 लाख डॉक्टर की कमी है, और इसी के साथ 2 मिलियन नर्स हैं उनकी कमी है। मतलब इंडिया में अभी इतने एक तरीके से लोगों की ज़रूरत है पेशेंट डॉक्टरों की और नर्स की, बट वो वैकेंट हैं। इसके साथ ही ये बताया गया है कि इंडिया के अंतर्गत जो पेशेंट और डॉक्टर का जो रेशियो है ना वो है एक डॉक्टर के ऊपर 10,189 पेशेंट हैं, और इसी के साथ ही WHO के जो गाइडलाइन है ना उसके मुताबिक होना चाहिए कि एक डॉक्टर के पीछे या एक डॉक्टर है उसके कंपेरिजन में 1,000 पेशेंट है या 1,000 लोग हैं वो होने चाहिए, मतलब पर 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बट इंडिया में पर 10,189 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो मतलब आप देख सकते हो काफ़ी 10 गुना से भी ज़्यादा इशू सामने आ रहा है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टाइम पे एंटीबायोटिक जो दवाई हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, मतलब उल्टी सूटी इधर उधर की दवाई लेते हैं और फिर उनकी डेथ है वो हो जाती है। इसके साथ ही ये बताया कि हमारे देश में लगभग 65% जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है ना वो आउट ऑफ पॉकेट है, मतलब 65% जो हमारे देश में हेल्थ सेक्टर पे खर्चा होता है ना वो लोगों के पॉकेट से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में हर साल लगभग 57 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से या गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है जिससे उनके पास पैसा या गरीबी में वो चले जाते हैं। तो ये देखो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।